मेरा सडन प्लान फिर से ट्रिप बन गया है। कहाँ जा रहा हूँ अभी डिसाइडेड है, मगर आगे बताता हूँ कहाँ जा रहा हूँ। और मैं वॉल्वो से पहली बार ट्रैवल कर रहा हूँ, पहली या दूसरी बार, तो मेरी सीट है और 4-5 लोग ही हैं सिर्फ। कैसरबाग बस अड्डा है ये, तो मैं यहीं से अपनी बस लूँगा वॉल्वो की। तो इस बार मैं जा रहा हूँ रुद्रपुर गदरपुर जसपुर, यही सब जगहों पे जाऊंगा और आगे नया प्लान बन गया वो भी बताऊंगा। ये हमारा फर्स्ट स्टॉप है और रात के बज रहे हैं 12 और मैं जर्नी में लगता हूँ रात भर जागता ही हूँ। अभी 9 बज रहे हैं और मैंने रूम चेकिंग करके तुरंत मुझे भूख लगी थी तो मैं खाना आ गया हूँ और मुझे अपने कुछ काम पे जाना है तो मैं रेडी हो गया हूँ बढ़िया से। तो थोड़ी देर में निकलते हैं कुछ खाने के बाद। काम निपटा लिए हैं, थोड़े ऑफिशियल थे तो मैं उसको शूट नहीं किया है और मैं वापस जा रहा हूँ। बाकी जर्नी कल कंटिन्यू करूँगा, वो आपको दिखाऊँगा। रुद्रपुर जा रहा हूँ मैं, जसपुर जाते जाते एक बुलेरो मिल गई थी हम लोग को वहाँ से रुद्रपुर से, और अभी इन्होंने कहीं यहीं पर चौराहे पर छोड़ दिए जसपुर से बहुत पहले 18 किलोमीटर में। वेट कर रहा हूँ बस आए तो फिर जाएँ, मौसम बहुत ठीक है। Thank you.
आपका कासपुर के बाद में यू कैन सी ओवर देयर अब मैं रुद्रपुर से हल्द्वानी जा रहा हूँ और सामने माउंटेन्स दिख रहे होंगे थोड़े थोड़े। पहले मैं नेपाल के जंगल और परिंडा का जंगल घूम के आया हूँ। मुझे ऑटो उनके ड्रॉप करने के बाद थोड़ा वेट करने के बाद मुझे ऑटो मिल गया है। फिर ऑटो मैंने करके अब जा रहा हूँ घर। क्या जगह है यार, अपनी लाइफ में हर किसी को ट्रैवल करना चाहिए इस तरीके से विदाउट एनी प्लानिंग, बट हाँ थोड़ा सा समझदारी से। ये माउंटेन्स की रेंज दिखी आपको, हल्द्वानी। मैं कल रुद्रपुर में था, कल मैं रुद्रपुर पहुंचा था अर्ली मॉर्निंग परसों, और फिर उसके बाद हम रुद्रपुर से गदरपुर गए। गदरपुर से फिर मैं रुद्रपुर आया, रुद्रपुर से फिर मैं किच्छा गया,
किच्छा से फिर रुद्रपुर आया और रुद्रपुर आने के बाद मैंने रुद्रपुर को थोड़ा एक्सप्लोर किया, फिर वहीं रुक गया। फिर मॉर्निंग जल्दी उठ के फिर मैं चला गया था जसपुर, और जसपुर से फिर मैं रुद्रपुर आया, फिर रुद्रपुर से मैं क्या नाम है रुद्रपुर से मैं फिर लाल कुआँ आया, और लाल कुआँ आते आते बड़ा कॉम्प्लिकेशन हुआ कि टैक्सी बस वाले ने कहीं और उतार दिया, इधर उतार दिया, उधर उतार दिया। तो आई के अब फिर मैंने मैनेज किया बीच में जंगल में उतार दिया कहीं, तो फिर मैं गलत जगह पे खड़ा था। फिर लिफ्ट विफ्ट लेके मैं किधर चला पहुँचा मैं वहाँ पर। अब मैं यहाँ पर आया हूँ घूमने नहीं बट काम से आया हूँ, तो इस वजह से ज़्यादा मैं वीडियोस नहीं बना रहा हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ भी वीडियोस बनूँ और दिखाऊँ आपको। और अभी मैं जहाँ पर हूँ मैं आपको वहाँ का लोकेशन दिखाता हूँ। करके मैंने रात में एक शॉपिंग जो एरिया है वहाँ पर एक जॉर्डन देखा था ब्लैक कलर का, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। इट वाज नॉट मतलब जो शॉपकीपर था वो निगोशिएट नहीं कर रहा था। मैं फिर मेरा मन था मैं सुबह जाके उसको मैंने लिया अप्रॉक्स 1250, तो वो मैं आपको भी दिखाऊंगा। अभी रूम पे जाता हूँ मैं क्योंकि ज़्यादा कुछ एक्सप्लोर करने को भी नहीं है अभी, और मुझे काम पे भी जाना है, तो जल्दी मिलते हैं। और एक ये भी मैंने ख़रीदा, अपना टाइम आएगा क्योंकि मैं अपने घर पे भूल गया हूँ। मास थोड़ा सा हैट्रिक होता है मेरे लिए, तो इसलिए तो मिलते हैं रूम पे। अभी मैं निकल रहा हूँ अपने होटल से और मेरे ये शूज़ हो गए हैं ख़राब, और ये मेरे कुछ दोस्त लोग हैं जो वीडियो कॉल पे बात कर रहे हैं, और ये लोग भी निकले हुए हैं। एक तो निकला हुआ है फैज़ान जो ऑरेंज कलर की टी शर्ट में है, और ये मेरठ में हो ना, और सौरभ भाई कहाँ है, गाज़ियाबाद जा रहे हैं। तो हम लोग अब मैं भी अपनी लोकेशन पर निकलता हूँ, फिर मिलते हैं।
है।